फ्रेंड्स, मैं नीरज सर और आप देखना शुरू कर दिए छोटा सा प्यारा सा और अनोखा सा चैनल एजुकेशन क्लाइंट्स। आज का जो चैप्टर है वो है पोल्यूशन ऑफ वाटर क्लास 8। सब्जेक्ट समझ ही रहे हैं, साइंस है और चैनल एजुकेशन क्लाइंट चैप्टर नंबर 20। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके द्वारा क्या हुआ, सब्सक्राइब हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। आप हमें एनर्जी प्रोवाइड कीजिए, हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स ए। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में खाली जगह है, इज द केमिकल मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर। वाटर को प्यूरिफाई करने का केमिकल मेथड है, क्या कहते हैं उसको? तो उसको कहते हैं क्लोरिनेशन। तो आप यहां फर्स्ट में फिल कर लीजिए क्लोरिनेशन। सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, खाली जगह है एंड खाली जगह है, कंस्टिट्यूट एग्रीकल्चर वेस्ट। एग्रीकल्चर वेस्ट कंस्टिट्यूट करते हैं इसमें, तो आप फर्टिलाइजर्स के माध्यम से, पेस्टिसाइड के माध्यम से, तो आप इसको कर सकते हैं, फर्स्ट में भर सकते हैं फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स एंड सेकेंड में भर सकते आप इसमें, सेकेंड भर दिए पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, द प्रेजेंस ऑफ डोमेस्टिक सीवेज इन वाटर प्रमोट द ग्रोथ ऑफ, खाली जगह एंड खाली जगह है, विच यूज अप अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इट। कह रहा है कि डोमेस्टिक सीवेज को वाटर में प्रमोट कीजिए, किससे? ऑफ द ग्रोथ ऑफ, किसके ग्रोथ से? तो स्टूडेंट अलगी के ग्रोथ से, तो आप यहां भर लीजिए अलगी। एंड खाली जगह विच अज यूज लॉट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, तो इसमें आप भर लीजिए बैक्टेरिया। क्वेश्चन नंबर फोर, फोर नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए फोर्थ नंबर कहता है कि वाटर डेट इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड, खाली जगह वाटर जो पानी पीने के लिए उपयुक्त है, सेफ है, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? तो उसको कहते हैं पोर्टेबल वाटर। तो यहां भर लीजिए पोर्टेबल। ठीक है स्टूडेंट, फाइव नंबर क्वेश्चन है, वन ऑफ द पर्पसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इज टू रिमूव द, खाली जगह, इम्प्यूरिटी प्रेजेंट इन इट, तो इसको कहते हैं सस्पेंडेड। तो यहां भर लीजिए सस्पेंडेड। बी, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिया हुआ है स्टेटमेंट और उसको बताना है कौन स्टेटमेंट ट्रू है और कौन स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बैड टेस्ट ऑफ वाटर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट इन इट। स्टूडेंट्स क्या लगता है आपको, जब पानी में स्मेल आता है या टेस्ट खराब आता है तो हम क्या कहते हैं कि इसमें पोल्यूटेंट मौजूद है, ये पोल्यूटेंट वाटर है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, तो आप इसको कर लीजिए टिक आउट ट्रू में। सेकेंड क्वेश्चन है, वी शुड ऑलवेज बाथ एंड वॉश क्लोथ इन रिवर्स। नहीं स्टूडेंट, जैसे आप बाथ और वॉश कीजिएगा क्लोथ को रिवर में, तो पानी क्या हो जाएगा? प्रदूषित हो जाएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यहाँ भर लीजिए फॉल्स। क्वेश्चन थ्री, थ्री नंबर क्वेश्चन कहता है कि पोर्टेबल वाटर कैन कोज वाटर बॉर्न डिजीजे। नहीं स्टूडेंट्स, ये फॉल्स है, पोर्टेबल वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग होता है, तो ये आप यहाँ भर लीजिए फॉल्स। क्वेश्चन नंबर फोर, वी शुड ऑलवेज वॉश एंड क्लीन आवर व्हीकल विथ टैप वाटर यूजिंग अ पाइप। नहीं स्टूडेंट, पाइप के माध्यम से नहीं जो है वॉश कीजिए अपने गाड़ी को, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट हो जाएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर फाइव, कह रहे हैं द वेस्ट वाटर प्रोड्यूस बाय द इंडस्ट्री अंटिल यूनिट मस्ट बी ट्रीटेड बिफोर इट ए डिस्चार्ज इन टू रिवर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए जब रिवर में इसको डिस्चार्ज करें, इंडस्ट्री से निकला हुआ वेस्टेज वेस्ट वाटर, तो उसको आप सीधा पानी में रिवर में मत कीजिए, क्योंकि वो रिवर को क्या कर देगा? पोल्यूटेड कर देगा, इसलिए पहले उसको ट्रीट कीजिए, उसको साफ कीजिए, फिर उसको आप रिवर में छोड़िए। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको ऑप्शन मिला है चार, उसमें से सही को टिक आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है, डोमेस्टिक सीवेज रिलीज इन टू रिवर्स कॉजेज। देखिए डोमेस्टिक वेस्ट को रिवर में रिलीज कर दीजिएगा तो उसका कारण क्या होगा? तो सही ऑप्शन है ग्रोथ ऑफ अलगी। तो आप यहां लिख लीजिए, टिक आउट कर लीजिए ग्रोथ ऑफ अलगी, अलगी का ग्रोथ हो जाएगा। स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन, वाटर विच इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग इज नोन एज। तो जो पानी पीने लायक है, सुरक्षित है, उसको कहते हैं पोर्टेबल वाटर। तो पोर्टेबल वाटर को टिकआउट कर लीजिए आप लोग, पोर्टेबल वाटर। क्वेश्चन नंबर थ्री, थ्री नंबर क्वेश्चन कहता है, वन ऑफ द मेथड्स दैट कैन हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल जर्म इन वाटर। तो उसको क्या कहते हैं? क्लोरिनेशन के माध्यम से आप उसको कर सकते हैं। तो क्लोरिनेशन को आप टिक आउट कर लीजिए, क्लोरिनेशन। क्वेश्चन नंबर फोर,
फोर नंबर क्वेश्चन है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर मेड हैवियर बाय एडिंग एलम, दिस प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लोडिंग। तो आप लोडिंग को टेक आउट कर लीजिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर फाइव, एमिटर दैट कैन हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज, उसको कहते हैं हाप्लस, तो भर लीजिए आप हाप्लस। क्वेश्चन डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, ब्रीफ आंसर देना स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनी टू अवेज विच कैन लीड टू कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। देखिए कंटेमिनेशन वाटर का दो क्या कर रहा है, आपको स्टेप बताना है ठीक ना, दो तरीका बताना है। तो फर्स्ट तरीका क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज कंटेमिनेट वाटर इन लार्जेस्ट एक्सटेंट। सेकंड क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी। देखिए ह्यूमन पहला तो रोल आप देख लिया इंडस्ट्री वेस्टेज का, दूसरा है ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे बाथिंग है और वॉशिंग ऑफ क्लॉथ है, ये रिवर और पॉन्ड्स में होता है तो कंटेमिनेटेड हो जाता है वाटर। दो तरीका दो वे थे, वे आपको बता दिया गया। एक क्या है कि इंडस्ट्री से जो भी वेस्टेज निकलते हैं उसको अगर आप सीधे वाटर में छोड़ देते हैं तो वाटर क्या हो जाएगा, पोल्यूटेड होगा। दूसरा एक्टिविटी है ह्यूमन एक्टिविटी, अगर बाथिंग और वॉशिंग ऑफ क्लॉथ को कीजिएगा रिवर में तो क्या होगा, रिवर और पॉन्ड का वाटर जो होगा वो कंटेमिनेटेड हो जाएगा स्टूडेंट्स। मीनिंग ऑफ द टर्म वाटर पोल्यूटेंट, देखिए वाटर पोल्यूटेंट का मीनिंग बताना है, टर्म है वाटर पोल्यूटेंट। कह रहे एनी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी बाहरी पार्टिकल है जो वाटर को प्रदूषित कर देता है वाटर पोल्यूटेंट कहलाता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर थ्री, नेम टू ऑफ द मेन डिजीज दैट कैन कॉज बाय ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर। कह रहे दो डिजीज का नाम बताइए, मुख्य रूप से दो डिजीज का नाम बताइए जो दूषित पानी से पीने से होता है स्टूडेंट, जैसे जॉन्डिस हो गया, डायरिया हो गया, ये दो डिजीज है जो कंटेमिनेटेड वाटर के पीने से होता है। क्वेश्चन नंबर फोर, नेम टू केमिकल्स, दो केमिकल का नाम बताना है जो पानी को शुद्ध करने में, प्यूरिफाई करने में मदद करता है। तो एलम है, क्लोरीन है, ये दो केमिकल है जो वाटर को प्यूरिफाइंग में मदद करता है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर फाइव नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नेम द काइंड ऑफ ग्रोथ इन वाटर डेट लीड टू डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन इट, तो है ग्रोथ ऑफ अल्गी एंड बैक्टीरिया। क्वेश्चन ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द मेन पैरामीटर That need to be followed before water is supplied for the drinking purpose. ये दो पैरामीटर के नाम बताइए जो पानी सप्लाई किया जाता है, तो सप्लाई पीने के लिए सप्लाई किया जाता है तो सप्लाई करने से पहले क्या पैरामीटर उसका होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, तो पैरामीटर है उसका कि देखिए फॉलोइंग पैरामीटर नीड टू फॉलोड बिफोर वाटर सप्लाइड फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। फर्स्ट है इट में बी कलरलेस, उसको क्या बनाना पड़ेगा, कलरलेस बनाना पड़ेगा, और फ्री फ्रॉम द स्मेल और ऑर्डर से क्या करना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा, किसी तरह का दुर्गंध नहीं आए उसमें, ठीक है, किसी तरह का कोई दुर्गंध ना आए। फिर है इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटी, उसको इम्प्यूरिटी अशुद्धि से मुक्त कीजिए, शुद्ध बनाइए उसको, टेस्टलेस होना चाहिए, और मस्ट बी फ्री फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिज्म, उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए, और वो उसमें किसी तरह का हार्मफुल केमिकल नहीं होना चाहिए। यह था आपका पैरामीटर जो वाटर सप्लाई से पहले उसको वाटर के साथ करना चाहिए, इस तरह से वाटर को प्यूरिफाई कर देना चाहिए। क्वेश्चन सेकंड, राइट इन ब्रीफ, फर्स्ट क्या है, वन फिजिकल, सेकंड एंड वन केमिकल मेथड दैट कैन बी यूज फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर प्यूरिफिकेशन का दो, एक फिजिकल और दूसरा केमिकल मेथड बताना है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट्स, एक है फिल्ट्रेशन, ठीक ना, ये फिजिकल मेथड है, कौन है, फिजिकल मेथड है। कह रहा है वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाई पासिंग थ्रू द लेयर्स ऑफ सैंड, सैंड के या ग्रेवल्स है या चारकोल के लेयर से पास कर दीजिए, और पास करके उसको क्या कर सकते हैं, उसमें से इंप्यूरिटीज आप हटा सकते हैं। तो ये पहला मेथड है फिजिकल मेथड, वो क्या है, फिल्ट्रेशन। सेकंड है केमिकल मेथड। देखिए स्टूडेंट, केमिकल मेथड क्या है कि केमिकल यूज करके हम उसको प्यूरिफाई करें, ठीक है, तो उसका यह है क्लोरीनेशन। देखिए क्लोरीन मिला करके वाटर को आप क्या कर सकते हैं, प्यूरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि क्लोरीन मिलाइएगा, क्लोरीन का टेबलेट इसी और क्या ब्लीचिंग पाउडर मिलाइएगा तो उसका अमाउंट ना सही होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट मिला दीजिएगा तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए उसको प्रॉपर अमाउंट में ही और केयरफुली मिला करके आप वाटर को क्या कर सकते हैं, केमिकली मेथड से उसको आप प्यूरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, स्टेट द मेजर दैट मस्ट बी टेकन चेक वाटर पोल्यूशन बाय सीवेज। सीवेज के माध्यम से जो वाटर पोल्यूशन उसको कैसे चेक किया जाए स्टूडेंट, तो फॉलोइंग मेजर मस्ट बी टेकन, लीजिए मेजर प्रिकॉशन लीजिए, ठीक है ना, पोल्यूशन को चेक करने के लिए सीवेज का, तो सीवेज मस्ट बी चून बाय मशीन के द्वारा सीवेज को चून कीजिए। फिर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, वाटर को ट्रीटमेंट कीजिए, एलम मिलाइए उसमें, एलम मिलाकर उसको क्या कीजिए, प्यूरीफाई कीजिए, प्यूरीफिकेशन एलम के माध्यम से कीजिए, और वाटर मस्ट बी एस्टराइज, वाटर को एस्टराइज कीजिए क्लोरीन के माध्यम से, केमिकल माध्यम से, और क्लोरीन क्या होगा, ये किल कर देगा माइक्रोब्स के जो उसमें जर्म है उसको किल कर देगा स्टूडेंट्स। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर थ्री खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, सजेस्ट सम सिंपल स्टेप्स दैट कैन बी टेकन हेल्प इन कंजर्विंग वाटर। कह रहे हैं वो सिंपल स्टेप्स बताइए, वो कदम उठाइए, साधारण कदम उठाइए जिससे वाटर को क्या किया जाए, कंजर्व किया जाए, संरक्षित किया जाए स्टूडेंट्स। तो कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जो लिया जा सकता है,
क्या है, तो कह रहा है रिपेयरिंग एनी लीकेज टैप, अगर टैप में है आपके, टंकी में कहीं लीकेज है या पाइप में है जो टंकी से घर के सब भागों में जाता है या फिर मोटर से सीधे टंकी में जाता है, टैप में जाता है, तो उसका लीकेज है, तो उसको अल्टीमेटली उसको ठीक करिए जितना जल्दी। और डू नॉट लीव द टैप ओपन, आप टैप को ओपन, नल को ओपन करके मत रखिए, जब आप ब्रशिंग कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं या फेस को धो रहे हैं, तो परमानेंट उसको स्टार्ट करके मत रखिए ओपन करके। डू नॉट वॉश योर कार, अपने कार को टैप वाटर के टैप से पाइप के माध्यम से मत धोइए, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट हो जाएगा। और डू नॉट लीव द वाटर रनिंग, जब पाइप से पानी जा रहा है तो उसको ओपन में मत छोड़ दिए, जैसे वॉश डिश बाय हैंड आप धो रहे हैं, वॉशिंग कर रहे हैं, तो पाइप नल को पूरा खुला करके मत रखिए। इस तरीके से ये वीडियो कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स, और मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।